दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। नई दिल्ली राजधानी में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक की जान चली गई, जबकि दो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना शनिवार की रात दिल्ली के लाजपत नगर थाना इलाके के रिंग रोड की है। पूरी घटना की जानकारी बता दें कि मोती बाग से शादी में सम्मिलित होकर वापस लौट रहे ओखला निवासी रुद्रा आशीष पांडे अपने दो दोस्तों के साथ आ रहे थे, तभी उनकी कार का टायर लाजपत नगर रिंग रोड पर पंचर हो जाता है। वह मैकेनिक को बुलाकर अपना टायर चेंज करवाने लगे। इसी दौरान तेज रफ्तार आई एक कार ने उनके कार में टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि यह कार 21 साल की एक युवती चला रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पंचर बना रहा मैकेनिक अफवाह की मौत हो गई, जबकि दो और लोग घायल हो गए हैं। पुलिस की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि कार चला रही युवती नशे में थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवती का ब्लड सैंपल ले लिया गया है और जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता धारा 279 और 304A के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवती को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। लाजपत नगर रिंग रोड पर शेवरलेट क्रूज कार एक दूसरी कार को इतनी जबरदस्त टक्कर मार देती है कि इस हादसे में एक युवक की मौत हो जाती है। जिस लग्जरी गाड़ी ने दूसरे कार को टक्कर मारी, उसे एक लड़की चला रही थी। लड़की हवाई अड्डे से अपने परिजनों के साथ आ रही थी, उसके साथ एक दोस्त भी थी। मैकेनिक अफवाह की हुई थी मौत। घटना के बाद दोनों लड़कियां मौका देखकर फरार हो गई। रविवार शाम को पुलिस ने आरोपी युवती अनन्या को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल करवाया। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक जाकिर नगर के रहने वाले 24 वर्षीय मैकेनिक अफवाह की मौत हो गई है। बता दें कि आरोपी 21 साल की अनन्या अमेरिका से डिप्लोमा कर बीते साल दिसंबर में भारत लौटी है। वह अपना स्टार्टअप की योजना बना रही है। उनके पिता कपड़े का व्यवसाय करते हैं। घटना के बाद वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना के बाद पीड़िता के परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।